अब देखिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन 3 पार्ट 2. ओके नाउ देर आर टू बॉक्सेस हियर. ए इज ऑल्सो नॉट गिवन. वी डोंट नो द कॉमन डिफरेंस ऑल्सो बट वी नो द सेकंड एंड द फोर्थ टर्म. सो आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू यू कि सेकंड टर्म होता क्या है. सेकंड टर्म मीन्स इट विल बी ए प्लस 1d. दैट मीन्स ओनली ए प्लस डी. ओके आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. सेकंड मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम हियर. सिमिलरली द फोर्थ टर्म विल बी हाउ मच. ए प्लस 3d. A plus 3D. What is A plus 3D? A plus 3D is the fourth term that is given as 3. So second term was 13. So that is A plus 1D or simply D is 13. And the fourth term is 3. So A plus 3D is 3. So you are getting your two equations and you have done linear equations in two variables. So hum elimination se isko aram se solve kar sakte hain. Kaise? We will just subtract the two equations because A ke coefficient already same hai. A ke coefficient already same hai. तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए कैंसिल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, -2d इज इक्वल टू 10. सो द वैल्यू ऑफ d विल बी -5. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ d इज -5 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस आई हैव सब्स्टिट्यूटेड इन 1. सो व्हेन आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ d एज -5, सो a की वैल्यू आ जाएगी 13 + 5 = 18. सो आई हैव गॉट a एज 18. सो योर फर्स्ट बॉक्स इज योर फर्स्ट नंबर दैट इज 18. So if I'm putting this as 18 and this is 13, I know the common in this is -5. That means what is happening in this series, I am subtracting 5 and I am getting the next term. So yahan 18 aa gaya a, then I subtracted 5, I got 13. So the next number if I want, I'll subtract 5 again. So 13 - 5, ye kya aa jayega, 8. So your third term will be 8. Theek hai, samajh mein aa gaya ye. Then we move on to the next question, that is question number 4. Theek hai, question number 4. ये क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है विच इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड क्वेश्चन ये है कि ये सीरीज में ये देखिए डॉट्स लगे हुए हैं, हमें पता करना है कि ये कितने टर्म्स हैं. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 3, 8, 13 - up to 78. तो आप हमें पता करना है ये कितने टर्म्स हैं. सो फॉर्मूला वही है, ए क्या है इसमें 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 3 दैट विल बी 5. And what is this an? An is actually the last term. Okay, an is your last term. So last term hamare paas kya diya hua hai, 78. So instead of an I'm going to put 78. So 78 is equal to 3 + n - 1 × 5. Open the bracket, we'll get 5n - 5. 3 - 5 we will get 2. -2 idhar aa gaya to 80. 80 is 5n. So n ki value kya ho gayi, 80 / 5. So that's 16. So ye kya hai, 16 terms hai ye. टोटल देर आर हाउ मेनी टर्म्स, 16 टर्म्स. दैट मीन्स 78 इज विच टर्म, 78 इज द 16th टर्म ऑफ द सीरीज. दैट मीन्स ये ए 16 है एक्चुअली, ये ए 1 है और ए है, ये ए 2 है, ये ए 3 है, ए 4 है, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. और ये जो 78 है ये इस सीरीज का 16th टर्म होगा. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन वॉज फाइंड आउट 78 इज विच टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो द आंसर इज 78 is the 16th term. ठीक है, समझ में आ रहा है. देन द फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है. अगेन देर इज़ अ सीरीज गिवन 7, 5, 7, 13, 19 और फिर से वही 205 तक है. आपको ये पता करना है कि ये सीरीज में कितने टर्म्स हैं 205 तक है. सो इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, लास्ट टर्म 205 दैट इज योर an. A क्या है 7, कॉमन डिफरेंस इज 13 - 7 = 6. यू आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस, ओपनिंग द ब्रैकेट्स एंड सॉल्विंग फॉर n. तो यहाँ पे 6n की वैल्यू आ जाएगी 204, क्योंकि 7 - 6 1 है. 1 आई एम ट्रांसफरिंग टू दिस साइड, यू विल गेट 204. फिर n की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 204 को 6 से डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा आपका 34. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देर आर 34 टर्म्स एंड 205 इज द 34th टर्म ऑफ दिस arithmetic progression. That means this is A34. ठीक है, so in all these questions we are using only one formula, an is A + n - 1d. So please memorize this, write it down few times so that you get the hang of it. Okay.